નમસ્તે મિત્રો, કેમ છો? મજામાં. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ રિદ્ધિ નાગદા. એન્ડ ગાઈઝ, મુંબઈમાં બહોત સારે નયે નયે રોડ્સ ખુલ રહે. અટલ બ્રિજ ખુલ રહા હૈ, સીલિંગ ખુલ ચુકા થા, મેટ્રો ખુલ રહી હૈ. બટ વી આર ગોઈંગ ટુડે ટુ ચેક આઉટ ધ કોસ્ટલ રોડ વિચ ઇઝ ફ્રોમ વર્લી ટુ મરીન લાઇન્સ, જિસમે એક સી બ્રિજ ભી હૈ એન્ડ એક અંડર વોટર બ્રિજ ભી હૈ. એન્ડ વી આર ગોઈંગ વિથ માય ફેમિલી. ચલો મેરે સાથ. ઓર મેરી ગાડી ભી સ્ટાર્ટ હો ગઈ હૈ, ગાડી સેટ હો ચુકી હૈ. એન્ડ આજ મેરે સાથ શૂટ પે મેરી ફેમિલી ભી ચલી હૈ. મમ્મા દાદી સે હાય, મમ્મા હાય, દાદા હાય. એન્ડ હમારે સાથ અજીત ભૈયા ભી હૈ. સો હમ ચલ પડે હૈ નયા કોસ્ટલ રોડ દેખને કે લિયે. લેટ્સ ગો ગાઈઝ. મેને ના યે સીટ ભાડે પે લી હૈ, યે મેરે કો મિલતી નહીં હૈ. યે ફોર્ચ્યુનર કી મેરી જો ગાડી હૈ ઉસકી ફ્રન્ટ સીટ હૈ, યે વો યુઝ્યુઅલી મેરી દાદી કી હોતી હૈ. થેન્ક યુ દાદી, મેરે કો યે સીટ ભાડે પે દેને કે લિયે, શૂટ કરને કે લિયે. મમ્મા આપકો નહીં દિયા, નહીં દિયા. ગાઈઝ, મેં ના એક્ચુઅલી ઢૂંઢ રહી થી કોસ્ટલ રોડ કા ડિરેક્શન્સ એન્ડ ઓલ. એન્ડ આઈ જસ્ટ ફિગર્ડ આઉટ કે અબ તક ગૂગલ મેપ્સ પે કોસ્ટલ રોડ આયા હી નહીં હૈ. એન્ડ હમ લોગ વો કોસ્ટલ રોડ દેખને જા રહે જો વર્લી સે લેકે મરીન ડ્રાઈવ તક હૈ. સો હમ લોગ લોગો કે ભરોસે હૈ, વી હેવ ટુ આસ્ક પીપલ વહાં પે ડિરેક્શન્સ કે લિયે, યા ફિર બોર્ડ્સ વોર્ડ્સ દેખને પડેંગે. સો ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વન બિગ ઓફ એન એડવેન્ચર. યે ગૂગલ મેપ્સ આને કે ચક્કર મેં ના રિયલ રોડ્સ કિસી કો પતા હી નહીં હૈ. ઇતની આદત પડ ગઈ હૈ ના મેપ્સ ખોલ કે બેઠ જાને કી હર જગહ પે. ગોડ. સો ગાઈઝ, અબ હમ લોગ જા રહે હૈ બાંદ્રા વર્લી સીલિંગ, જો અપના ઓજી સીલિંગ હૈ કોસ્ટલ રોડ કા ફેઝ વન. બાંદ્રા વર્લી કા કોસ્ટ ઇઝ 85 રૂપીઝ. એન્ડ યે લો થોડે નજારે આપકે લિયે બિફોર વી રીચ વર્લી. યે તો ખતમ હો રહા હૈ બાંદ્રા વર્લી સીલિંગ વાલા રોડ. अब आगे फिगर आउट करते हैं. काफी प्रिटी लग रहा है मुंबई स्काईलाइन. ये सीलिंग से उतर के जो सर्कल से राउंड अबाउट करके सीधा वर्ली की तरफ जाते हैं, वहां पे जा रहे हैं. एंड क्लियरली वी स्टक इन ट्रैफिक. सो फिगर आउट करते हैं कुछ. सब जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो भी कोस्टल रोड का ही पार्ट है, वहां पे येलो में लिखा हुआ है. बट स्टिल फिगरिंग आउट, वी हैव टू आस्क समबडी के कहां से जाना है. सो गाइज, यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि हमने टर्न मिस कर दिया. बट ये वाला रोड कनेक्ट करेगा भैया. यू टर्न लेके ट्रैफिक में अटकना पड़ेगा अभी अपन को. ही है दादा ईशा अम्बानी जो घर, ये ईशा अम्बानी का घर है गाइज, जस्ट साइड सीन. गाइज, बिकॉज वी मिस दैट टर्न जो इट्स राइट बिफोर ईशा अम्बानी का घर के, वहाँ पे ना छोटू सा बोर्ड लिखा हुआ है टूवर्ड्स हाजी अली. एंड देन वो टर्न मारने के लिए कैप दिया है नरिमन पॉइंट का. मैं अगर आपको वापस वो क्लिप मिलेगा तो दिखाऊंगी. वो वहाँ से टर्न मार के कोस्टल रोड पकड़ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरी तरह ये ब्रिज तक आना पड़ेगा यू टर्न मारने के लिए. गाइज, बीच में कहीं यू टर्न मत मारना, हमेशा पुलिस रहती है. ब्रिज से राइट लेके आगे से यू टर्न मारना. यस गाइज, एक और एग्जिट यहाँ से भी है हाजी अली के पॉइंट से, बट हमें स्टार्टिंग से जाना है करके हम उधर जा रहे हैं जस्ट टू फिगर आउट कि वो रोड क्या है. आगे हाजी अली से भी एक जंक्शन पे यू कैन बेसिकली टेक द रोड. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोड इज आप मल्टीपल पॉइंट से एंटर हो सकते हो, जैसे वर्ली सी फेस से हो सकते हो, हाजी अली से हो सकते हो, एंड फाइनली मरीन ड्राइव तक पहुंच सकते हो. तो जो जो मुझे दिखेंगे जंक्शन वो भी मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली गाइज, यहाँ पे जो जंक्शन है, ये सिग्नल, यहाँ से टर्न दिया हुआ है राइट में टू गो टू द कोस्टल रोड जो हमने मिस कर दिया था, जिसके चक्कर में हमें पूरा घूमना पड़ा था. बट यू कैन सी यहाँ से हमें वापस मिल रहा है नरिमन पॉइंट के लिए लेफ्ट, सीलिंग के लिए स्ट्रेट, एंड राइट ले लोगों तो वर्लीना का. सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. गाइस, फिलहाल द टाइमिंग इज 8 to 5 ऑन मंडे टू फ्राइडे ओनली. So this is the new coastal road, guys.
सो यहाँ पे एक ब्रीच कैंडी का एग्जिट शायद से बन रहा है, बोलाभाई देसाई रोड अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड फादर, बट अब तक वो एग्जिट शायद जा की एक रिक्वेस्ट है, अगर ये ट्रांसपेरेंट दीवारें होती तो हमें पानी दिखता ना, ऐसे पानी की टनल में से जा रहे तो पानी तो दिखना चाहिए ना, व्हाट इज द प्रूफ दैट देयर इज सम वाटर। एंड आई फाउंड वन इंटरेस्टिंग थिंग, देयर इज अ लेन, दिस इज लेन कॉल्ड बस लेन, इफ यू कैन रीड लेन, दिस स्पेशली फॉर बसेस, नाइस, सो ऐसे बसेस भी पास होने वाली है। Oh guys, we see light. We are reaching the end of the tunnel, which means हम लोग मरीन ड्राइव पहुंच रहे हैं guys. And here we come out. Wow. ओह, हम पहुंच गए मरीन लाइन स्टेशन गाइस, ये अपना क्वींस नेकलेस एरिया, दिस इज मरीन ड्राइव गाइस, पार्थी जिमखाना गाइस। हम लोग नरिमन पॉइंट तो नहीं, मतलब मरीन ड्राइव स्टेशन जो एरिया है ना पार्थी जिमखाना, वहां तक पहुंच गए फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड विद द कंसिस्टेंट स्पीड ऑफ 60-70 किलोमीटर्स। वी टुक अराउंड 10 to 11 minutes to complete whole road, that is from Worli to Nariman Point. That is so cool, right? How's the experience guys? Very nice, new thing by the government. Yes, mujhe to tunnel bahut acha laga, kafi cool lag raha tha. And then you know that in between there was this junction yahan pe idhar se road ja raha, idhar se road ja raha, that looks so like futuristic, Hong Kong ki yaad aa gayi guys. So jab ban jayega it'll look like wow. And we are back to the traffic after a good 11 minutes. Since guys हम लोग नरीमन पॉइंट तक आ ही गए थे तो वी वर लाइक अभी थोड़ा आसपास देख लेते हैं, दादी को दिखाते हैं नरीमन पॉइंट एंड आजाद मैदान है एंड वही गेटवे ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। सो बेसिकली जब मम्मी छोटी बच्ची थी, मॉम यूज टू ऑलवेज आर्ग्यू कि राजा भाई क्यों है, राजा तो भाई होना चाहिए ना, बिकॉज मेल वर्जन भाई, भाई इज लाइक लेडीज, तो राजा भाई टावर होना चाहिए मॉम के अकॉर्डिंग, राजा भाई नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, मम्मी के साथ हो आप लोग, राजा भाई होना चाहिए या राजा भाई होना चाहिए? ओके, दादा इज गिविंग अस इन्फॉर्मेशन के राजा बाई है एंड गुजरात से है वो, सो गुजराती है। मम्मा मिल गया आंसर, आपका राजा भाई नहीं है। सो आपका राजा अगर भाई होता तो
मेरा मामा राजा होता ओके दादा ने हमें होमवर्क दिया है कि हमें हिस्ट्री निकालने का राजा भाई टावर का किसी दिन उस पर भी वीडियो बनाएंगे ओ यस दादा इज पुट आउट अ क्वेश्चन किसी को पता है राजा भाई टावर की हिस्ट्री तो प्लीज कमेंट्स में लिखो ये दादा का हुक्म है दादा का हुक्म मानना पड़ता है हर लॉन्ग ड्राइव की एक ही कहानी होती है नरीमन पॉइंट आओ मरीन ड्राइव आओ गेटवे ऑफ इंडिया आओ तो हम भी गेटवे ऑफ इंडिया आ गए हैं ड्राइव करते करते पहुंच गए लुक एट दादी लुकिंग सो क्यूट सीइंग आउटसाइड दादी सो एक्साइटेड टू सी आफ्टर कितना बार रही ना दादी ने रहे हो तई बड़े पापा साथ आया पापा साथ आया मछले कपड़ा बड़ा आए थे तई मम्मी जो नहीं आया नेक्स्ट वी आर गोइंग मलाबार गाइस अब हम लोग कोलाबा कॉजवे पे है एंड आई जस्ट लाइक जस्ट रियलाइज्ड मैं 30 साल से मुंबई में रहती हूँ मैं एक भी बार कोलाबा कॉजवे पे शॉपिंग करने नहीं आई हूँ क्या बोलते हो गाइस कोलाबा कॉजवे का शॉपिंग वीडियो बनाना चाहिए मम्मी आप आए हो क्या कभी yes, पापा के साथ मेरे को नहीं लाए पापा के साथ कब आए जब भी हमारी शादी होने वाली थी तभी हम लोग यहाँ पे पूरा शॉपिंग किया था तभी लोकल कुछ शॉपिंग नहीं होता था ओ हाँ बिकॉज़ पापा की ऑफिस मरीन लाइन मरीन ड्राइव के पास थी ना हाँ तो शॉपिंग करते थे और घूमते थे कोर्टशिप पीरियड का मजा इन्होंने उठाया है गाइस इन्होंने ये खुद तो शॉपिंग करके ये कोलाबा कॉजवे अब मैं जब बोलूंगी कि मुझे कोलाबा कॉजवे लेके चलो तो बोलते नहीं इतना दूर कौन जाएगा व्हाट आर यू आस्किंग मॉम तू आजाद मैदान के बाहर वो शॉपिंग एरिया है वहाँ पे गई है कभी फैशन स्ट्रीट यस हम लोग बहुत जाते थे जब हम छोटे थे मेरे को कहीं लेके नहीं जाते वहाँ सो गाइस जो साउथ बाउंड वाला रोड है वो यहाँ से आया था और जो नॉर्थ बाउंड वाला रोड होगा वो यहाँ से जाएगा बट अब तक खुला नहीं है टाटा बाय बाय मरीन ड्राइव घूमते हम पहुँच गए कमला नेहरू पार्क मलाबार हिल शू हाउस और वो सब आई डोंट नो आप लोग कभी यहाँ पे आए हो कि नहीं बट हमारी स्कूल की पिकनिक्स बचपन में यहीं पे हुआ करते थे सो गाइज ये वाला था ब्रिज कैंडी नरीमन पॉइंट जाने का जो ब्रिज कैंडी के वहां से एग्जिट था ये बहुत लेट दादी डिड यू एंजॉय यस मम्मा यस दादू एंजॉय क्या आज गाड़ी से लानी खाती यस इवन आई एंजॉयड मुझे बहुत अच्छा लगा ये रोड आई मीन वर्ली टू मरीन ड्राइव इन लाइक 10 मिनट्स इज लाइक सुपर्ब गाइस आप भी जाके एक्सप्लोर करके आओ जब तक टोल नहीं चालू होता है सो गाइस दैट वाज माय यू नो ड्राइव थ्रू ऑफ द न्यू कोस्टल रोड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रिद्धि नागदा अंटिल देन गुड बाय एंड थैंक यू